कि रशिया ने कैंसर वैक्सीन बना ली है, अंतिम चरण में ये शोध है, ऐसा कहना व्लादिमीर पुतिन का। ग्राफिक जरिए आपको हम बताते हैं कि कैंसर के लिए वैक्सीन पर जो काम है वो अंतिम चरण में है, ये व्लादिमीर पुतिन ने कहा है। व्लादिमीर पुतिन का वैक्सीन पर एक बहुत बड़ा बयान है, बहुत जल्द वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा सकेगा, कहना पुतिन का। ये दावा किया गया पुतिन द्वारा और इस काम में रूस बहुत करीब जा पहुंचा है। लंबे लंबे ट्रीटमेंट चलते हैं कैंसर के और वो भी कई बार सफल नहीं हो पाते हैं, लेकिन इसके पहले अगर वैक्सीन ये आ जाती है, उपलब्ध हो जाती है, तो ये बेहद काम की ये वैक्सीन रहेगी, बहुत ही सुविधा हो जाएगी लोगों के लिए भी। तो कीमोथेरेपी की क्या जरूरत नहीं होगी, इलाज में घर गहने जमीन तक बिक जाते हैं, क्या वो ऐसी स्थिति अब लोगों के सामने नहीं आएगी, ये सब एक अच्छी खबर जो कि वैक्सीन के बाद हो सकती है। तो कैंसर की सर्जरी की जरूरत क्या नहीं पड़ेगी जब वैक्सीन ये आ जाएगी, कैंसर के पेशेंट्स के लिए कारगर होगी वैक्सीन, ये सब बातें कही जा रही हैं। इस बीच भारत में ही कैंसर के 14 लाख से ज्यादा पेशेंट्स मौजूद हैं। तो हर साल बड़ी संख्या में कैंसर से पीड़ित कई मरीज सामने आते हैं, ऐसे में कैंसर पर ये एक बड़ी उम्मीद की खबर है। यूक्रेन के चेर्नोबिल में जो कैंसर को मात है उसको दी जा रही है, भेड़ियों के इम्यून सिस्टम में बदलाव हुआ है, उन पर ये जो एक्सपेरिमेंट है वो किया गया, कुछ हद तक कैंसर से लड़ने की क्षमता विकसित हुई है। आपको बता दें कैंसर पर उम्मीद की जो खबर है उस पर हम बात करें, भयंकर रेडिएशन में भी भेड़ियों को नहीं हुआ कैंसर, तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। कुत्तों को भी रेडिएशन के बावजूद कैंसर नहीं हुआ है, ये एक उम्मीद की खबर है। कुत्तों और भेड़ियों पर एक्सपेरिमेंट यानी कि रिसर्च किया गया। Zini.